गर्मियों का मौसम आरंभ होते ही अन्य राज्यों से घुमंतू भेड़ पालकों ने पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करना आरंभ कर दिया है। वहीं चंबा में भी बाहरी राज्यों से भेड़ पालक पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए पशुपालन विभाग द्वारा जिला के विभिन्न 5 क्षेत्रों में ट्रांजिट कैंप स्थापित किए गए हैं, जिस दौरान पशुपालन विभाग द्वारा भेड़ पालकों की भेड़ बकरियों का चेकअप किया जा रहा है और उन्हें दवाइयां भी वितरित की जा रही है। इस बारे सहायक निदेशक पशुपालन विभाग दिनेश परमार ने जानकारी दी। आजकल कुछ भेड़ पालक नीचे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से या और अन्य जिलों से उनकी माइग्रेशन हो रही है चंबा से ये हायर अल्टीट्यूड की तरफ, तो उनके लिए चंबा पशुपालन विभाग ने जगह जगहों पर 5 ट्रांजिएंट कैंप लगाए हुए हैं। एक हमारा कैंप है थुलेल में, दूसरा कैंप है खरगट, तीसरा लाड़ू, चौथा भ्रंगाल भलेई के पास और 5वां नकरोट तीसा में। जो भी भाई अभी भेड़ पालक भाई जा रहे हैं वो अपनी भेड़ों का चेकअप इन कैंप्स में जरूर करवाएं। आज दिन तक हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट चंबा में 125 शेफर्ड्स इन कैंप के से गुजर चुके हैं और उनके 20,122 भेड़े और 13,175 बकरियां, टोटल एनिमल 33,297, इनकी हमने पेट के कीड़ों की दवाई इनको दी है और इनकी हमने डिपिंग भी की है, जो कि चिचड़ों की भी दवाई हमने इन जानवरों को दी है। और इन्हीं कैंप्स में हमने आज दिन तक 1742 जानवरों की ट्रीटमेंट भी की है, जिसमें कुछ जानवरों को बुखार था, कुछ को चोट लगी थी, कुछ को पेचस लगे हुए थे, दस्त लगे हुए थे, इनका ये इलाज किया गया है। और इसी दौरान हमारे थुलेल का जो ट्रांजिट कैंप है वहाँ पर 1950 भेड़ बकरियों को मुंह खुर का टीका भी लगाया गया है। और ये कैंप हमारा 25/3/2023 को शुरू हुआ था और ये 25 अप्रैल 2023 तक चलेगा। तो मेरा इन सभी ये जो भेड़ पालकों और बकरी पालकों भाइयों से निवेदन है कि वो इन कैंप का जरूर फायदा उठाएं।